आउम शैतानजीम दस्मिल्ल रन रहीम मोहतरम महतरम असलकम एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जैसा कि आप लोग मुतवजे हैं कि दर्स का खुदसाजी या जहाद बिन नफ्स है ख़ुदसाजी यानी खुद अपने आप को संवारना और अपने आप को संवारना बहुत लिहाज से मुमकिन है कि इंसान अपने आप को संवार सकता है मादी एतबार से मानवीय अतबार से यहाँ जो ख़ुदसाजी की बात हो रही है वो इस इसनवान से कि इंसान अपने नफ्स को संवारे ख़ुद अपने आप को संवारे तस्किया नफ़्स करे जैसा कि कुर करीम में शाद होता है कदफला मनजब कहा कि वो कामयाब है कि जो तजिया नफ्स करें यानी जो अपने नफ्स का तजकिया कर लेता है जो अपने नफ्स पे काबू पा लेता है वो इंसान कामयाब है लिहाजा हमारी कोई सी भी कामयाबी हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले मरहले में ख़ुदसाजी के मरले में सबसे पहले हमें ख़ुद अपने आप को पहचानना चाहिए यानी हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम क्या हैं और हमारा मकसद खिलकत क्या है यानी इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसे पता हो कि वो क्या है ताकि उसी एतबार से वो जो मौने हैं उन्हें बरतरफ करे जो उसके नुकात ओफ़ हैं यानी जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं उन्हें दूर करें बल्कि कमज़ोरीों को अपनी मजबूती में बदले और ऐसा ही इंसान कामयाब है जो भी दुनिया में आज भी कामयाब अफराद हैं या जो पहले के कामयाब अफराद हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्स को इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया कि तमाम मुश्किलों के सामने वो सीना सिपर हो गए और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान अपने नफ़्स पे कंट्रोल रखता हो और जब इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल रखता है तो फिर इंसान एक मज़बूत इंसान बनता है और ऐसा मज़बूत इंसान मुश्किलों का सामना आसानी से कर लेता है लिहाजा ख़ुदसाजी के मरहल में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम अपने नफ्स को पहचाने अपने आप की हमें शिनाख्त हो दूसरी तरफ हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो ख़ुदसाजी की राह में आड़े आ सकती हैं यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें संवरने से रोक सकती हैं जो हमें तजिकिया नफ्स करने से रोक सकती हैं लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि वो मवाने कौन से हैं वो चीज़ें कौन सी हैं जो हमारी इस राह में हायल हो सकती हैं इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है ख़ुद हमारी जहालत और अदम आगे ही यानी जब इंसान को कुछ मालूम ही ना हो इंसान अपने बारे में ना जानता हो अपने हदफ़ के बारे में ना जानता हो अपने मकसद के बारे में ना जानता हो तो जाहिर सी बात है जिस इंसान को इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं है वह इंसान कामयाब नहीं हो सकता दूसरी बहुत अहम चीज़ है वह है कि इंसान के लिए एक निज़ाम का होना यानी जो भी हमारे अमूर हैं उसमें बरनामा रेज़ी होना चाहिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है अगर इंसान के पास एक निज़ाम है उसके पास एक बरनामा है तो वो इंसान कामयाब है लिहाजा इस दुनिया में भी आप देखिए जो लोग दुनियावी एबार से भी कामयाब हैं मसन कोई एक कामयाब ताजर है कोई एक अच्छा इस्टूडेंट है तालब इल्म है कोई एक अच्छा बिजनेस है तो उनके पास तय होता है कि उन्हें कितना सोना है कब उठना है कब क्या करना है लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक निज़ामत होना चाहिए अगर हमारे पास कोई निज़ामत नहीं है इंसान को पता ही नहीं है कि कब उसे सोना है कब उसे उठना है कब उसे बैठना है कब उसे क्या करना है तो ऐसा इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता लिहाजा ख़ुदसाजी के मरहल में भी जो लोग इस राह में आगे बढ़ते हैं वो तमाम चीज़ें उनके यहाँ मुरतब होती हैं कि उन्हें कब क्या करना है किस वक्त किस तरह से इबादत करना है कब दूसरे उमूर को अंजाम देना है यानी ज़िंदगी में सारी चीज़ों का वक्त मुन होता है और अगर वक्त मुन होता है तभी इंसान कामयाब होता है दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद ये जो वक्त है इस वक्त को ज़ाया न किया जाए यानि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ अहम है और कौन सी चीज़ गैर अहम है अक्सर होता है कि इंसान जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है उसमें अपना सारा वक्त गुजार देता है और जो अहम चीज़ है उसकी तरफ तोज् नहीं होती मिसाल के तौर पर मसन जवानी है अब इंसान अक्सर होता है कि वो दोस्तों के पास बैठा हुआ है तो ये इस्लाम ने ये नहीं मना किया कि आप दोस्तों के पास ना बैठिए बल्कि इस्लामी नुक़ नज़र से जो एक तफरी सालिम तफरी है यानी हलाल तफरी है बैठना बातचीत करना ये आपके रूह को मजबूत करता है ये आपको मानवीय अतबार से मजबूत करता है ऐसा अमल आपको मानवीय अतबार से मजबूत करता है इस्लाम ने मना नहीं किया है कि आप ना बैठिए लेकिन अगर आप बैठ गए और फिर आपको ख़बर ही ना रही कि हमें क्या करना है कहाँ जाना है क्या हमारे दूसरे उमूर हैं और उसी में वक्त आपका पूरा गुजर गया और घंटों के बाद आपको होश आया कि हमारे इतने काम थे जो हमें करने थे वो रह गए लिहाजा अगर इंसान को अपने वक्त की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है तो अगर इंसान को वक्त की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है इंसान वक्त को ज़ाया कर रहा है तो जो इंसान वक्त ज़ाया कर रहा है वो कभी भी ख़ुदसाजी में कामयाब नहीं हो सकता है दूसरी चीज़ ये है कि जो हलाल लज्जात हैं जैसा कि मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जो हलाल लज्जतें हैं उनसे इस्लाम ने मना नहीं किया ना सोचें कि वक्त ज़ाया नहीं करना है यानी कुछ भी नहीं करना है इस्लाम ने रोक दिया है मना कर दिया है कोई भी हलाल लज्जत जो है उसको अंजाम ना दिया जानी ऐसा नहीं है ये सारी चीज़ें आप अंजाम दीजिए लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए एक मन वक्त होना चाहिए यानी यूँ कहा जाए कि हर चीज़ का एक वक्त होना चाहिए हद में रह के तमाम चीज़ें हमारे जो मानवी सफ़र है या दुनियावी एबार से भी जो हमारा रुश् कमाल सफ़र है उसमें तमाम चीज़ें हमारी मामन होती हैं मददगार होती हैं लेकिन अगर ये चीज़ें हद से बाहर हो जाती हैं तो यही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं दोस्तों का होना बहुत अच्छी चीज़ है इसीलिए कहा गया है कि गरीब वो है जिसके पास दोस्त ना हो लेकिन इंसान अगर उसी दोस्ती में सारा वक्त बर्बाद कर दे रहा है सारा वक्त उन्हीं दोस्ती में गुज़र रहा है दूसरे जो वाजिब उमूर हैं उनको अंजाम नहीं दे रहा है तो फिर ये दोस्ती इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाती है लिहाजा हमें वक्त को ज़ाया नहीं करना है यानी वक्त को ज़ाया करना गोया खुदसाजी का जो इंसान का मिशन है जो ख़ुदसाजी का मरला है उसके जो मवाने हैं उनमें एक चीज़ है वक्त का ज़ाया करना और ये बात मशहूर है कि जो इंसान वक्त की क़द्र नहीं करता है वक्त उसकी भी कोई क़द्र नहीं करता है लिहाजा अगर हम एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं हर हवाले से तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास वक्त है उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए एक और चीज़ जो ख़ुदसाजी की राह में रुकावट बनती है वो है दूसरों की राय को हद से ज़्यादा अहमियत देना यानी इंसान को खुदांदम ने अक्ल दिया है खुदांदम ने ख़ुद आपको दिमाग दिया है इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से राय नहीं लेंगे आप दूसरों से राय लेंगे आप दूसरों से मशवरा करेंगे लेकिन वो राय जो आपके लिए सूदमंद हो उस पर आप अमल करेंगे एक बार होता है कि इंसान सिर्फ दूसरे जो कहते हैं उसी पर अमल करता चला जाता है हद से ज्यादा दूसरों की राय को अहमियत देता है नतीजा यह होता है कि खुद इसकी अपनी कोई मुस्तकिल राय और नजरिया नहीं रह जाता है और दूसरा ये कि वो दूसरों की राय में इतना घिर जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता है कि किस जहत में कदम उठाना है किस सेम तुम्हें, तुम्हें आगे बढ़ना है लिहाजा अगर इंसान दूसरों की राय को हद से ज़्यादा अहमियत देने लगता है तो ये हद से ज़्यादा दूसरों की राय को अहमियत देना ये भी खुदसाजी के मरहले में एक रुकावट बन जाती है सिर्फ खुदसाजी यानी मानवी अतबार से जो इंसान आगे बढ़ता है वो अपनी जगह है ही है दूसरे दुनियावी उमूर में भी यानी आप अपने मामलों में आप दूसरे की राय को बहुत ज्यादा अहमियत दें हर बात पे जो किसी ने उन्होंने ये कहा तो आपने उनकी बात मान ली जैसे मिसाल के तौर तो पर तो कोई बीमार होता है और तो हिंदुस्तान में अक्सर ये होता है दुनिया में भी यही होता है।, है और होता होगा कि लोग जो है मशुरे देने लगते हैं आप बीमार हैं कह रहे नहीं फला साहब आप ये कर लीजिए उन्होंने कहा ये कर लीजिए फला ने कहा उस डॉक्टर को दिखाई दूसरे ने कहा उस डॉक्टर को दिखाई तो अगर दूसरों की राय पे आदमी अमल करने लगेगा तो बेचारा वो किसी एक जगह अपने मरज का सही से इलाज नहीं कर पाता है दर बदर भटकता रहता है इसी तरह से खुदसाजी के मरले में भी बहुत जरूरी है कि इंसान दूसरों की राय को हद से ज्यादा अहमियत ना दे बल्कि उस मशरा करे राय ले और उस राय पर अमल करे जो खुदसाजी की राह में उसकी मुआवन और मददगार साबित हो उसके अलावा एक बहुत अहम चीज है वह है दुनिया को बहुत ज्यादा अहमियत देना यानी इंसान दुनिया परस्त हो अगर इंसान बहुत ज़्यादा दुनिया परस्त हो जाता है तो फिर आखिरत की राहें उसके लिए बहुत ज़्यादा दुशवार हो जाती हैं देखिए दुनिया से फ़ायदा उठाना और है दुनिया परस्त होना और है यानी इस्लाम ने यह मना नहीं किया कि आप दुनिया से फ़ायदा ही ना उठाइए न जाने कितने अमूर हैं हमारे ये अगर दुनिया है तभी यानी हमारे पास दुनिया है माले दुनिया है तभी हम उनको अंजाम दे पा रहे हैं इस्लाम ने यह नहीं कहा है कि आप दुनिया से फ़ायदा ना उठाइए दुनिया है ही इसीलिए कि आप उससे फ़ायदा उठाइए दुनिया को कहा गया कि दुनिया आखिरत की खेती है दुनिया मज़र आखिरत है लिहाजा हमें दुनिया से फ़ायदा उठाना है लेकिन दुनिया से फ़ायदा उठाना और दुनिया प्रस्त होना इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है लिहाजा इंसान को दुनिया प्रस्त नहीं होना चाहिए जब इंसान दुनिया प्रस्त हो जाता है तो अगर दीन और दुनिया में टकराव होता है तो इंसान दुनिया को तरजीह देता है दीन को साइड में पसे पुश्त डाल देता है अगर कोई इंसान ऐसा है कि जो दीन और दुनिया के टकराव में दुनिया को अहमियत दे रहा है दीन को साइड में रख रहा है तो ऐसा इंसान कभी भी खुदसाजी में कामयाब नहीं हो सकता है खुदसाजी में वही इंसान कामयाब हो सकता है तस्किए नफ्स वही कर सकता है कि जो अगर दीन और दुनिया में टकराव हो तो वह दीन को अहमियत दे लिहाजा दुनिया सिर्फ फ़ायदा तो उठाना चाहिए दुनिया को आखिरत का वसीला तो बनाना चाहिए लेकिन दुनिया परस्त नहीं होना चाहिए ये जो मना किया गया है ये जो कहा गया है कि खुदसाजी के रास्ते में एक रुकावट है वो इंसान का दुनिया परस्त होना है खुदांदम हम सभी को ये दे कि हम दुनिया से आखिरत के लिए फ़ायदा उठाएँ और इस दुनिया में सिर्फ दुनिया प्रस्त होकर न रह जाएँ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين